लो डियर स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है जो डायमेंशन से है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन वीक्ल्स टू ए प्लस बी टी वेर वी क्वाल्स टू वेलोसिटी एंड टीवल्स टू टाइम वी वेलोसिटी है एंड टी टाइम है तो हमें ए एंड बी का मान निकालना है इन इक्वेशन वीवल्स टू ए प्लस बी टी में सो so, गिवेन v इक्वल्स टू ए प्लस बी टी ये इक्वेशन हमारा दिया हुआ है जहां पे v है वेलोसिटी एंड t है टाइम v वेलोसिटी है एंड t टाइम है तो और v माइनस ए माइनस बी टी इक्वल्स टू जीरो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं

ऑन बोथ साइड मस्ट बी सेम ठीक है ये हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है जो हमने लास्ट वीडियो में बताया है तो आप उसे देख सकते हैं जाके सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू होगा डायमेंशन ऑफ ए दोनों टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा सो so, वी हमारा क्या है वेलोसिटी तो वेलोसिटी का एसआई SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड अगर इसे डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो l बाई टी और lt पावर माइनस वन ये हमारा हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नेक्स्ट है टाइम टाइम का यूनिट सेकंड और सेकंड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी okay. तो यहां पे पूछा है डायमेंशन ऑफ वी सो lt टी माइनस वन इक्वल्स टू होगा a। इस प्रकार जो ए का जो वैल्यू हमारा निकल गया वह क्या निकला एल टी माइनस वन ठीक है जो ए का वैल्यू हमारा निकला एल टी माइनस वन क्वेश्चन में पूछा है ए एंड वी का वैल्यू तो ए का हमने वैल्यू निकाल लिया है ठीक है अब बी का वैल्यू तो फिर हम वही लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ठीक है तो अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लगाते हैं तो इस केस में हमारा क्या होगा हमें वी का वैल्यू निकालना है तो बी का वैल्यू निकालना है तो डायमेंशन ऑफ बी टीक्वल्स टू होगा डायमेंशन ऑफ वी ठीक है डायमेंशन ऑफ बीटी टू डायमेंशन ऑफ वी तो वी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है टी का भी पता है तो इस प्रकार हम बी टी का डायमेंशनल फॉर्मूला सॉरी बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे सो डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बीटी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ वी और हम डायमेंशंस ऑफ ए भी लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि डायमेंशंस ऑफ बी टी इक्वल है डायमेंशंस ऑफ ए के भी इक्वल है सो हम ए या वी कुछ भी लिख सकते हैं ठीक so, तो है इक्वल में सो डायमेंशंस ऑफ बी टी तो टी का डायमेंशनल फॉर्मूला है टी किसका है टाइम का तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी सो बी इंटू टी इक्वल्स टू वी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी पावर माइनस वन इस प्रकार B इक्वल्स टू होगा एल टी इक्वल्स टू एल टी पावर माइनस वन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो T नीचे हो जाएगा सो so, B इक्वल्स टू एल टी माइनस वन बाय टी अब B के टर्म को हम ऊपर लेके जाएंगे सो एल टी पावर माइनस टू इस प्रकार जो बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ एल टी पावर माइनस टू तो क्वेश्चन में हमें जो पूछा था फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन वीवल्स टू ए प्लस बी टी जहां पर वीक्ल्स टू वेलू है एंड टीवल्स टू टाइम है सो so हमने ए का वैल्यू फाइंड किया एल्टी माइनस वन एंड बी का वैल्यू जो हमारा फाइंड हुआ वह एल टी माइनस टू तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन फॉर यूनिट एंड मेजरमेंट फ्रॉम डायमेंशंस आज के टॉपिक में इतना ही फॉर मोर अपडेटेट सब्सक्राइब प्लीज थैंक फॉर वॉचिंग